बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया जी दोस्तों। आज हम आपको दिखाएँगे सुजुकी GS 150 का इंजन बंद करने का तरीका। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इसका इंजन मैं आपको खोलने का तरीका बताऊंगा, तो आज मैं आपको इसका इंजन जो है बंद करने का तरीका बताऊंगा। और बहुत ही आसान तरीका है इसको इंजन को बंद करने का। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियो बना के आपको दिखाया जाए। तो आज चलें जी, अब हम इसका इंजन बंद करते हैं। जी दोस्तों, एक हथौड़ी की मदद से आप इस बैरिंग को इस पल्ले में लगा लें, उसके बाद आप इसके बाकी बैरिंगों को भी पल्ले में लगा लें। ये देखें दोस्तों किस तरह इस बैरिंग को हम लगा रहे हैं। पल्ले में इस बैरिंग को लगाने के बाद आप इसके गियर शिफ्टर को इंजन के पल्ले में लगाएं। बहुत ही आसान तरीका है। इस शिफ्टर को लगाने के बाद इसको घुमाकर आप चेक कर लें, उसके बाद इस शिफ्टर का स्प्रिंग आप इसकी पतरी से इस इंजन के पल्ले में लगा लें। एक नोज प्लास की मदद से आप इस स्प्रिंग को इस पिन में लगा दें, उसके बाद आप इसके गियर शिफ्टर की गरारियां पकड़ें और इन पिनों को लगाने के बाद इन गरारियों को इंजन में फिट कर लें। और गरारियों को फिट करने के बाद आप अच्छी तरह घुमाकर चेक कर लें और इसके बाद आप इसके कनेक्टिंग रॉड को फिट करें। कनेक्टिंग रॉड को फिट करने के बाद आप हथौड़ी के दस्ते की मदद से इस रॉड को पल्ले के बीच में लगा लें। कनेक्टिंग रॉड को लगाने के बाद आप इसको सिलिकॉन लगाएं। सिलिकॉन आपने यहाँ पर वाइट वाली इस्तेमाल करनी है। सिलिकॉन लगाने के बाद आप इसके इंजन की डावलों को लगा लें और उसके बाद आप इसके इस पल्ले को बंद कर दें। इस पल्ले को बंद करने के बाद हथौड़ी के दस्ते की मदद से इस पल्ले को ठोक लें। उसके बाद आप इसके पेचों को टाइट कर लें और उसके बाद आप इसके किक की टाइमिंग कर लें। किक की टाइमिंग करने के बाद उसके पेच आप अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद आप इसके गियरों को चेक कर लें। गियरों को चेक करने के बाद आप इसके पल्लों के पेचों को टाइट कर दें। उसके बाद आप इस गरारी को और इसके लोक को लगा लें। उसके बाद आप इसके कनेक्टिंग रॉड की गरारी को लगा लें। कनेक्टिंग रॉड की गरारी लगाने के बाद आप इसके ऑयल पंप को लगा लें। ऑयल पंप लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। ऑयल पंप को अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद आप इसकी इस गरारी की काटर लगा लें और इसकी दूसरी गरारी को फिट कर लें। उससे पहले आप ऑयल पंप की गरारी फिट कर लें। ऑयल पंप की गरारी को लगाने के बाद आप इस गरारी के लोक को लगा लें।
इसके बाद आप इसके कनेक्टिंग डॉट की दूसरी गिरारी को लगा लें। इस गिरारी को लगाने के बाद आप इसकी वाशर को ऊपर रख लें और इसके नट की चूड़ी को टाइट कर लें। याद रखें, इसकी चूड़ी उल्टी होती है और इस नट को आप अच्छे तरह टाइट कर लें। स्पेशल टूल की मदद से ये नट टाइट होता है। आप इसके कनेक्टिंग रॉड में एक स्पेशल टूल, इसको यूप्लर भी कहा जाता है, वो लगा लें और इस नट को टाइट करने के बाद आप इसकी वाशर को भी फोल्ड कर लें। इसकी वाशर फोल्ड करने के बाद आप इसके गेट शिफ्टर की इन पिनों को लगा लें। ये इस गाड़ी में काफ़ी मुश्किल चीज़ है जो अक्सर मैकेनिकों को तंग करती है, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके को गौर से देखें कि इसको कैसे फिट किया जाता है। शिफ्टर की इन पिनों को फिट करने के बाद आप इसकी पत्रियों को लगा लें। इसकी दोनों पत्रियों को टाइट करने के बाद जी, आप इसकी दोनों पत्रियों को टाइट कर दें। उसके बाद आप इसके गेयर शाफ्ट को लगा लें। गेयर शाफ्ट को लगाने के बाद आप इसके गियरों को चेक कर लें। उसके बाद आप इसके किक केस ये गाड़ी फिट कर लें। पहले आपका एक वॉशर आएगी, उसके बाद आप इस गाड़ी को फिट कर लें। इसको फिट करने के बाद आप इसके लिए क्लच वर्म की सिलाई को लगा लें और सिलाई को आप लगाने के बाद क्लच वर्म से चेक कर लें कि ये सिलाई ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद आप इसकी वॉशर को रखें, इसके क्लच बक्से को लगाएं। क्लच बक्से को लगाने के बाद आप इसके ऊपर क्लच होजिंग को फिट कर लें। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है और एक एक चीज़ के मतलब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, और स्पेशल टूल की मदद से आप इसके क्लच होजिंग को टाइट कर लें। और क्लच होजिंग टाइट करने के बाद आप उसको घुमाकर लाजमी चेक करें, अगर वो आपका होजिंग टाइट है तो इसमें कोई मसला है। उसके बाद आप इसकी क्लच प्लेटों को और प्रेशर प्लेटों को फिट कर लें। आपकी 5 अदद क्लच प्लेट्स और 4 अदद प्रेशर प्लेट इसमें फिट होती हैं। उसके बाद आप इसके होजिंग को टाइट कर लें। इसको टाइट करने के बाद आप इस गाड़ी के रिंगों को बिठा लें। रिंग बिठाने के बाद इसके जैन को भी अपने सिलिकॉन लगानी है। सिलिकॉन आप इसके ऊपर ग्रे सिलिकॉन का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसके पिस्टन का लॉक लगा लें और इसके ऊपर आप साफ़ तेल अप्लाई करें और इसके सिलेंडर में भी साफ़ तेल लगाएं, ताकि आपकी बाइक जब स्टार्ट हो तो उसके सिलेंडर में पहले से ही ऑयल हो थोड़ा सा। खुश्क रिंग नहीं चलाने चाहिए गाड़ी के, हमेशा ऑयल इसको लगाना चाहिए। उसके बाद आप इस गाड़ी का हेड फिट कर लें। हेड
हेड फिट करने के बाद आप 12 नंबर की गोटी डार से इसके हेड को टाइट कर लें और उसके बाद आप इसकी टाइमिंग चेन बिठा लें। और टाइमिंग चेन बिठाने के बाद दोस्तों आप इसकी टाइमिंग कर लें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी 150 की टाइमिंग के मुतालिक बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पेचकस की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेचकस इस लाइन, ये लाइन और ये निशान बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद आप इसके इस रबड़ को भी ग्रे सिलिकॉन लगाएं। इसके हेड की कैप के ऊपर ग्रे सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऊपर दूसरी सिलिकॉन अगर आप लगाते हैं तो इसकी लीकेज होगी। उसके बाद आप इसके हेड की कैप को बंद कर दें और इसके पेचों को भी टाइट कर दें। इन पेचों को टाइट करने के बाद आप इस गाड़ी के टेपर एडजस्ट कर लें। टेपर करने के बाद आप इसके मैग्नेट को लगा लें और स्पेशल टूल की मदद से आप इसके मैग्नेट को टाइट कर लें और इसके टाइमिंग चेन को एडजस्टर को लगा लें। जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले तकरीबन दो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि इस गाड़ी का हमने इंजन किया है, इस गाड़ी को अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसका क्या साउंड है। जी दोस्तों, इस गाड़ी का साउंड अब आप चेक करें और इस गाड़ी का अब स्मोक भी ख़त्म हो गया है। पहले इस गाड़ी में काफ़ी स्मोक था, उन्होंने दिखाया था, तो आज मैं आपको ये गाड़ी का साउंड भी बिल्कुल ओके हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हमने क्या क्या चीज़ चेंज की है जो इसका साउंड जो है बिल्कुल जेन्युइन हुआ है। गाड़ी का अब हमने तो जो है ना, सबसे पहले इसका कनेक्टिंग राड चेंज किया है। ये राड मैंने आपको इसका पहले भी दिखाया था कि इसकी राड की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी। इसकी जगह हमने नया राड डाला है, इसके वेट के बैरिंग डाले हैं, इसका पिस्टन हमने जेन्युइन डाला है, ठीक है, पिस्टन इसका जेन्युइन डाला है। और ये इसके हेड के वॉल जो हैं ये हमने इसमें जेन्युइन डाले हैं। क्लच प्लेटें जो हैं जापानी डाली हैं। और एक जो इसका जो मेन इशू है था, इसका मेन इशू ये है था कि इसकी जो है केम भी कट चुके थे। ये देख रहे हैं आप, ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह के निशान जो हैं इसकी इस केम के ऊपर भी होंगे। और इसी तरह के कह रहे हैं कि ये इसके केम, इसकी हेड के कैप के ऊपर भी ये निशान है थे। तो ये नया सामान तो इसका काफ़ी महंगा है, नया इसका ये हेड और ये इसका जो हेड की कैप है, ये केम है, ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की खरीदी ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमने बलालगंज से जो है वो ले ली थी हमें आधी कीमत पे। तो इस सारे काम के ऊपर तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये इनका लग गया है। इस गाड़ी का हमने वो काम किया है कि ये गाड़ी जो है डेली की कह लें 100 से 150 किलोमीटर चलनी है। इसके अंदर लोकल पिस्टन नहीं चलना था, हमने जेन्युइन पिस्टन लेके उसको स्लीप लगवाई है। इसमें 50 नंबर का जेन्युइन पिस्टन नहीं आता, इसमें सिर्फ 0 का ही जेन्युइन पिस्टन आता है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई की जो है गाड़ी बिल्कुल अब ठीक चलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा। और मेरी वीडियो को कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो को देखें, तब में से कोई चीज़ आपके लिए जो मुफीद हो वो मिस ना हो जाए। जी अगर आप चाहते हैं जी कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं किसी भी मसले के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मैं आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के दिखाऊँगा। और आप इसके रिंग पिस्टन की मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी किसी भी चीज़ की, अगर आपको कोई मसला हो तो मेरा नंबर ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो इस नंबर पर आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे वीडियो कॉल पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।